हेलो दोस्तों, का आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। हमने कल पढ़ा था सिंस को हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करेंगे या प्रेपोजिशन के तौर पे। तो हमने कल देख लिया था क्या, सिंस को हमने प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करा था, और प्रेपोजिशन में क्या करा था हमने कि उसे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करा था। आज हम सिंस को किसके तौर पर यूज करके देखेंगे, कंजंक्शन के तौर पर। किसके तौर पर, कंजंक्शन के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं सिंस को कंजंक्शन के तौर पर यूज करना, ठीक है। जैसे हमने कल बताया था क्या, जो हमारा सिंस होता है वो क्या होता है, वो कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और प्रेपोशन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रेपोशन की तरह भी काम करता है। अब हमने बोला कंजंक्शन की तरह काम करता है सिंस। सिंस कंजंक्शन की तरह काम करता है जब सिंस क्या दे रहा हो, हमारा रीजन दे रहा हो। क्या दे रहा हो, ये हमारा रीजन दे रहा हो, ठीक है। क्या दे रहा हो, रीजन दे रहा हो। रीजन का मतलब कि सिंस दे रहा हो, किसका अर्थ निकाल रहा हो, ये निकाल रहा हो बिकॉज का अर्थ। किसका अर्थ निकाल रहा हो, बिकॉज का मतलब क्योंकि। रीजन दे रहा है ना कि मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खा रहा हूं क्योंकि, क्योंकि मैं बीमार हूं। ये रीजन दे रहा होता है जब सिंस क्या दे रहा होता है, रीजन मतलब बिकॉज का अर्थ, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा होता है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा होता है। और सिंस क्या कर रहा होता है, प्रेपोशन की तरह कब काम कर रहा होता है, ये हमने कल ही बता दिया। कब, जब ये फ्रॉम का आगे दे रहा हो। किसका अर्थ दे रहा हो, फ्रॉम का अर्थ दे रहा हो। इसका मतलब क्या होता है, जब से, क्या होता है, जब से तब तक, ठीक है, या फिर से, ठीक है। ये होता है हमारा कब, जब सिंस के दो यूज बताए थे हमने। कब, एक तो कंजंक्शन का बताया था, एक बताया था हमने प्रेपोशन का यूज। कंजंक्शन में क्या था, सिंस क्या देता है हमारा, रीजन दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है, सिंस रीजन दे रहा होता है। तो उस टाइम क्या आता है हमारा, बिकॉज आता है। रीजन मतलब कि मैं खाना खा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भरा है, ठीक है। मैं, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेट्रो से जाएंगे। बात समझ में आई, वहां क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है। तो वहां पे सिंस हमारा किसी तरह यूज था, कंजंक्शन की तरह। और अगर हमें बताना है कि भैया कि हम 5 बजे से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, 5 बजे से, तो वहां पे क्या बोल रहा है, से, मतलब वहां पे क्या दे रहा है, सिंस टाइम का इफेक्ट दे रहा है ना, टाइम बताने जा रहा है। तो वहां टाइम बताने जा रहा है, तो वहां क्या होगा, हमारा प्रेपोशन यूज होगा। बात समझ में आई। अब हम इसमें कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिससे आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, कहां पे सिंस कंजंक्शन की तरह यूज रहा है और कहां सिंस प्रेपोशन की तरह यूज रहा है। जहां पे सिंस प्रेपोशन की तरह यूज कर रहा था, वहां हमने कल बता दिया था अपने पिछले वाले लेक्चर में क्या, कि भैया कि प्रेपोशन की तरह जहां भी यूज हो रहा होगा, प्रेपोशन की तरह जहां भी यूज हो रहा होगा सिंस, वहां पे हम क्या लेंगे, या तो परफेक्ट लेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने अभी हमारा वर्ल्ड लेक्चर नहीं देखा तो पहले ऊपर वाले लेक्चर आई बटन पे जाइए, वहां पे हमारा वर्ल्ड लेक्चर पे क्लिक करके आप उस वाली वीडियो को देख लेना। अब हम अपने प्रेपोशन और कंजंक्शन दोनों मिक्स करके एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, मोहन गॉट 3 प्रमोशन सिंस ही ज्वाइंड दिस कंपनी, ठीक है। मोहन को क्या हुए, 3 प्रमोशन मिले हैं, कब से, जब से उसने उस कंपनी को ज्वाइन करा है। हमने बोला था क्या, पिछले सेंटेंस, पिछले हमने लेक्चर में बताया था क्या, प्रेपोशन जब क्या दिखा रही हो, हमारा टाइम दिखा रही हो, क्या दिखा रही हो, ये टाइम दिखा रही हो, तो फिर हमारा क्या होता है, वहां पे सिंस यूज होता है। सिंस के साथ में क्या यूज होता है, हमारा टाइम यूज होता है। तो हमारा क्या दिखा रही होती है, प्रेपोशन दिखा रही होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो सिंस है वो कंजंक्शन हो गया या प्रेपोशन हो गया, यहाँ पे हमारा सिंस किसका आ रहा है, रीजन दिखा रहा है या टाइम दिखा रहा है। जब से मोहन, मतलब मोहन गोट 3 प्रमोशन, मोहन को 3 प्रमोशन मिले हैं, कब, जब से उसने कंपनी ज्वाइन करी है, या क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करी है, ठीक है, क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करी उसे 3 प्रमोशन मिले हैं। बताओ यहां बिकॉज क्या है हमारा, इसका मतलब है क्योंकि, ठीक है, इसका मतलब है जब से उसने कंपनी ज्वाइन करी, जब से उसे 3 प्रमोशन मिले हैं, या क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करी तब उसे 3 प्रमोशन मिले हैं। मुझे बताओ यहां क्योंकि आ रहा है, जब से आ रहा है। अब हमने बोला क्योंकि वाला, पहले क्योंकि वाला लेते हैं, बिकॉज वाला, कि यहां बिकॉज आ सकता है क्या। हमने बोला भाई देखो, अगर क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करी है इसलिए उसे 3 प्रमोशन मिले हैं, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब कि अगर जो भी कंपनी ज्वाइन करेगा क्या उसे 3 प्रमोशन मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कई जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी ज्वाइन करी होती है, 10 साल हो जाते हैं, उन्हें प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत ही मिल जाते हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ, ये रीजन नहीं हुआ, ये कोई रीजन थोड़ी है, क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करी इसलिए उसे 3 प्रमोशन मिले हैं,
ये कोई रीजन नहीं है कि भाई उसने कंपनी ज्वाइन करी इसलिए तीन प्रमोशन मिल गए। भैया अगर कोई कोई कंपनी ज्वाइन करता है क्या उसे तीन प्रमोशन मिल जाएंगे? नहीं, उसको तो उसके एफिशिएंसी काम के हिसाब से उसे प्रमोशन मिलेंगे ना, तो ये रीजन नहीं है कोई। तो क्या है ये टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है? टाइम। और हमने बोला था टाइम को हम स्टेटमेंट से भी दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि सिंस जो होता है अगर प्रपोर्शन दिखा रहा होता है तो ये क्या दिखाता है? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। किसका? पॉइंट ऑफ टाइम। और हमने बोला था जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे हम किसमें? स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो ये हमारा जो टाइम्स होता है वो किसमें होता है? वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनेट में। कैसे होता है हमारा? पास्ट इंडेफिनेट में लेंगे। किसमें लेंगे भैया जी? हम पास्ट इंडेफिनेट में लेंगे, ठीक है। अब हमने बोला था सिंस के बाद में जो हमारा आएगा पास्ट इंडेफिनेट आएगा, तो ये टाइम बताएगा। मतलब कहना चाह रहा है क्या? जब से उसने कंपनी ज्वाइन करी है तब से मोहन को तीन प्रमोशन मिल गए, ठीक है। यहां तो बात समझ में आई नहीं, ठीक है। उसमें क्या हुआ हमारा कि भैया ये तो हमारा जो पास्ट इंडेफिनेट हो गया। अब ये जो हमने बताया था क्या कि भैया या तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो, या तो हमारे परफेक्ट में आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ये हमने कल के लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। अब वैसे तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, हमने बोला था जब भी सिंस प्रपोर्शन की तरह यूज हो रही है तो उससे पहले वाला बाद वाला तो हमारा पास्ट इंडेफिनेट में यूज होगा। अगर प्रपोर्शन की तरह यूज हो रही उससे जो पहले वाला होगा, पहले वाला किसमें यूज होगा? जो हमारा मतलब मेन क्लोज होगा वो किसमें यूज होगा? वो हमारा हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा। किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर उसके साथ में क्या आ जाए? रिजल्ट आ जाए। क्या आ जाए? रिजल्ट आ जाए, या कोई ऐसी वर्ब आ जाए जो आईएनजी की तरह यूज ना होती हो, तो फिर हम किसमें लेंगे? उसे लेंगे परफेक्ट में। अब देखो यहां पे रिजल्ट का सेंस आ रहा है। किसका? रिजल्ट का। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी का रिप्लाई आ रहा है, हाउ मेनी प्रमोशन ही गेट, ठीक है। ये क्या आ रहा? हाउ मेनी का रिप्लाई, थ्री प्रमोशन। तो कितने प्रमोशन उसे मिले? तीन प्रमोशन। तो हाउ मेनी या हाउ मच का रिप्लाई क्या होता है हमारा? वो होता है रिजल्ट। और अगर रिजल्ट आ रहा होता है यहाँ पे तो हम कौन से टेंस में लिखते हैं? उसमें लिखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें लिखते हैं? परफेक्ट में लिखते हैं। तो क्या लिखे हैं? मोहन हैव गॉट थ्री प्रमोशन, ठीक है। क्या हुआ? मोहन हैव गॉट थ्री प्रमोशन सिंस ही जॉइंड दिस कंपनी, ठीक है। अब हम दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है? दे हैव प्रोमोटेड सिंस ही वाज नेवर मेड अ मिस्टेक, ठीक है। क्या बोला? अब हम फिर से देखते हैं, क्या यहां क्योंकि वाला सेंस आ रहा है? क्योंकि वाला यहां सेंस आ रहा है क्या? उसे प्रमोशन मिला है क्योंकि He has never made mistake, क्योंकि उसने मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है। ये वाला सेंस आ रहा है या ये वाला सेंस आ रहा है? जब से उसने मिस्टेक नहीं करी है तब से उसे प्रमोशन मिला है। बताओ कौन सा सेंस आ रहा है? They have promoted since he has never made mistake, कि उसे प्रमोशन मिला है, मतलब उसे प्रमोट किया गया है क्योंकि he has never made mistake, क्योंकि उसने गलती नहीं की है। या फिर ये वाला सेंस है कि जब से उसने गलती नहीं की है तब से उसे प्रमोट किया गया है। कौन सा सही है हमारा? बताओ कौन सा सही होगा? सिंस वाला सही होगा, मतलब सिंस कंजंक्शन की तरह यूज होगा या सिंस प्रपोर्शन की तरह यूज होगा, ठीक है। हमने बोला ये क्या बोल रहा है? दे हैव प्रोमोटेड, ठीक है, उसे क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है क्योंकि सिंस ही हैज नेवर मेड मिस्टेक, क्योंकि उसने मिस्टेक नहीं करी है इसलिए उसे प्रमोट किया गया है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम ये प्रपोर्शन वाला लेंगे, जब से उसने गलती नहीं की है तब से उसे प्रमोट किया गया है, ठीक है। मतलब कि भैया की गलती कोई करेगा ही नहीं क्या? ऐसा होता है क्या? जब से उसने गलती नहीं करी है तब से उसे प्रमोट किया गया, ऐसा है क्या? नहीं, उसे बताया गया है दे हैव प्रमोटेड, उसे प्रमोट किया गया है क्योंकि उसने गलती नहीं करी। क्या करा? उसने कभी भी गलती नहीं करी। दे ही हैज नेवर मेड मिस्टेक, उसने कभी गलती नहीं करी, ये रीजन है। उसे प्रमोट क्यों किया गया? तो यहां पे क्या दिया गया है? ये रीजन दिया गया है। क्या रीजन दिया गया? ही हैज नेवर मेड मिस्टेक, ही हैज नेवर मेड मिस्टेक, तो ये रीजन दिया गया। और रीजन दिया गया तो ये क्या होता है हमारा? कंजंक्शन होता है। क्या होता है? ये हमारा कंजंक्शन। और अगर कंजंक्शन होता है ये हमारा, तो क्या होता है फिर? हमारा सेंटेंस ऐसे ही सही है। क्या है ये? दे हैव प्रमोटेड, उसे प्रमोट किया गया है। क्यों प्रमोट किया गया है? क्योंकि बिकॉज, यहां पे सिंस की तरह आप बिकॉज भी ला सकते हो। ही हैज नेवर मेड मिस्टेक, उसने कभी भी क्या नहीं करी है? गलती नहीं करी है। मेरी बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला हो गया। इसमें क्या है? ये बोल रहा है दे हैव प्रोमोटेड, उसे प्रमोट किया गया है क्योंकि ही हैज नेवर मेड मिस्टेक, कि उसने गलती नहीं की है। ठीक है, देखो ये भी हमारा किसमें आ रहा है? परफेक्ट में आ रहा है। और ये भी हमारा किसमें? परफेक्ट में ही है। तो हमारे दोनों परफेक्ट में आ गए, क्योंकि हमारा कंजंक्शन क्या होता है? दो सेम टेंस को जोड़ता है, मतलब दो सेम स्टेट को जोड़ सकता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आसान है कंजंक्शन के लिए। अब नीचे वाला देखते हैं। दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस, उन्होंने हमें कितनी बार कॉल किया है? दो बार कॉल कर दिया। कितनी बार कॉल कर दिया? दो बार कॉल कर दिया। अब क्या आ रहा है इसमें? सिंस दे हैव गोन एब्रोड, जब से वो एब्रोड गए हैं उन्होंने हमें तब से दो बार कॉल कर दिया। क्योंकि वो एब्रोड गए इसलिए दो बार कॉल किया है। बताओ कि क्योंकि वो एब्रोड गए इसलिए उन्होंने हमें दो बार कॉल किया, ऐसा हो सकता है क्या? हमने बोला हो तो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो एब्रोड नहीं जाते, वो आसपास कहीं गए होते, चेन्नई या तमिलनाडु या ऐसी जगह गए होते, क्या वो फिर कॉल नहीं करते हमें? करते ना,
कर लेते ना। तो ये क्या बता रहा है, वो समय बता रहा है, क्या बता रहा है, वो टाइम बता रहा है, ठीक है। ये रीजन नहीं बता रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो अब्रोड गए इसलिए उन्होंने हमें दो बार कॉल करी है, और अगर ये कहीं और जाते अब्रोड की जगह कहीं भी चले जाते क्या वो कॉल नहीं करते, नहीं। वो ये बताना चाह रहा है दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस, उन्होंने हमें कितनी बार करी है, दो बार कॉल कर चुके हैं, कब से, जब से वो अब्रोड गए हैं। तो ये बताना चाह रहा है जब से वो अब्रोड गए हैं, यहाँ क्या बता रहा है, प्रेपोशन है, वो टाइम है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, टाइम है पूरा का पूरा। वो बताना चाह रहा है जब से वो अब्रोड गए हैं ना, तब से उन्होंने हमें कितनी बार कॉल किया, दो बार कॉल कर चुके हैं, कितने बार कॉल कर चुके हैं, दो बार कॉल कर चुके हैं। तो अगर हमारे यहाँ टाइम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, तो हम इसे किसमें लेंगे, इसे हम लेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में, क्योंकि हमने बोला था अगर प्रपोशन हमें टाइम दिखा रही हो तो उसे किसमें लेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेंट, क्या लिखेंगे, वेंट, क्योंकि गो वेंट गोन होता है। तो हमने क्या लिखा, दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस, उन्होंने हमें दो बार कॉल की है, जब से वो अब्रोड गए हैं, जब से मतलब ये जब से आ गया, सिंस दे वेंट अब्रोड, ठीक है, बात समझ में, ये पास्ट इंडेफिनेट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या है, वी हैव गॉट मच डेवलप्ड, ठीक है, हम क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा डेवलप। एक ऊपर चीज और भी देख लेना, हमने बोला था भैया जी सिंस है, अगर ऐसा ये तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा अगर ये जब से का सेंस आ रहा हो, लेकिन ये क्या होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि इसके साथ में रिजल्ट ना दिया हो तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर रिजल्ट दिया हो या फिर कोई ऐसी वर्ब आ रही है जो आईएनजी आ रही हो तो फिर हमें किसमें लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। देखो यहां रिजल्ट आ रहा है क्या, दे हैव कॉल्ड हाउ मेनी टाइम्स, तो ये बोल रहा है कितना, ट्वाइस, दो बार, ठीक है। ये किसका रिप्लाई है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स का, ठीक है। अगर ये हाउ मेनी का टाइम्स का रिप्लाई है तो हमें परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, तो देखिए परफेक्ट आ रहा है, हैव कॉल्ड, ठीक है। अगर ये नहीं होता दे हैव कॉल्ड अस, ठीक है, इतना ही होता तो दे हैव कॉल्ड अस यही हो रहा होता, तो इसे क्या लिखते, दे हैव बीन कॉलिंग अस, क्या होता, दे हैव बीन कॉलिंग अस हो रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ ट्वाइस का रिजल्ट आ गया, किसका आ गया, रिजल्ट का रिप्लाई है, तो इसलिए हमें इसे परफेक्ट में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नीचे वाला देखिए, वी हैव गॉट मच डेवलप, ठीक है, हम क्या हुए हैं, बहुत डेवलप हैं, कब से, सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम, जब से हमें फ्रीडम मिली है तब से हम बहुत डेवलप हुए, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। इसे क्या बताना चाह रहा है, ये हमारा पूरा क्या है, टाइम है, ये पूरा क्या है, हमारा टाइम है। इस वी हैव गॉट फ्रीडम को हम इसी 2019, 2050 या जितने से भी कोई पास्ट के टाइम से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने बोला भैया 1947, 1948, 1950, 1901, जब से भी हमें स्वतंत्रता मिली है तब से हम क्या हुए हैं, बहुत डेवलप हो गए। तो ये हमारा टाइम बताना चाह रहा है, और टाइम बताना चाह रहा है, तो हमने बोला टाइम को किससे दिखाते हैं, सिंस में, हमने बोला पास्ट इंडेफिनेट टाइम से दिखाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये हैव कट जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, वी हैव गॉट मच डेवलप, हम कितना डेवलप हो गए हैं, मच, हमने बोला हाउ मच का रिप्लाई आ रहा है, हाउ मच डेवलप्ड, तो बोला मच डेवलप, ठीक है। तो ये अगर हाउ मच का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, हाउ मच का रिप्लाई है, तो जो हमारा ये वाला सेंटेंस होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट होगी, ये किसमें होगी, हमारी परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने बोला हाउ मच का रिप्लाई रिजल्ट होता है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सॉरी परफेक्ट में होगी, तो लिखा हमने वी हैव गॉट, ठीक है। अगर ये नहीं होता, मच डेवलप नहीं होता, केवल लिखा होता वी हैव गॉट डेवलप्ड, केवल मच नहीं होता, वी हैव गॉट डेवलप्ड लिखा होता, डेवलप्ड, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वी हैव बीन गेटिंग डेवलप्ड, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, वी फेल्ड द टेस्ट सिंस वी डिडंट प्रिपेयर वेल, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, वी फेल्ड द टेस्ट, हम टेस्ट में फेल हो गए, फिर आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि, ये रीजन दे रहा है, क्या दे रहा है, किसका रिप्लाई है, बिकॉज का रिप्लाई है, वी फेल्ड द टेस्ट, हम टेस्ट में फेल हो गए क्योंकि वी डिडंट प्रिपेयर वेल, हमने अच्छी तैयारी नहीं करी थी इसलिए हम टेस्ट में फेल हो गए। तो अब यहां पे हमारा कोई मतलब नहीं, ये पास्ट का बता रहा है, क्या, वी फेल्ड द टेस्ट, हम टेस्ट में फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, Since, क्योंकि we didn't prepare well, क्योंकि हमने अच्छी तैयारी करी थी, ये भी पास्ट का टाइम है और ये भी पास्ट का टाइम है, तो दोनों पास्ट के तो टाइम है। अगर मैं बोलूं भैया क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट में जो बताया कि भैया we failed a test, पास्ट की बात हो रही है ना, ये पास्ट की, तो पास्ट में बता रहा है क्या, कि भैया हम टेस्ट में फेल हो गए क्योंकि हमने तैयारी अच्छी नहीं की थी, तो हमने बोला वी डिडंट प्रिपेयर वेल, ठीक है। ये भी पास्ट का, ये भी पास्ट का, अगर बिकॉज हो रहा होता तो दोनों हमारे सेम स्टेट हो रही थी, पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। अब नीचे आ जाए, दे कुडंट डिलीवर द पार्सल, ठीक है, क्या हुआ, दे कुडंट डिलीवर द पार्सल, उन्होंने पार्सल डिलीवर नहीं किया, ठीक है। अब आगे वाला देखिए, रीजन है या फिर वो बता रहा है तब से अभी तक पार्सल डिलीवर हुआ, तो यहां देखिए, सिंस नो वन वॉज देयर, क्या बोल रहा है, सिंस नो वन वॉज देयर, अब ये क्या है हमारा, रीजन है, क्या है ये भैया हमारा, रीजन है, ये रीजन दे रहा है, उन्होंने पार्सल डिलीवर नहीं किया या वो पार्सल डिलीवर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रीजन हो गया, ये पूरा क्या है हमारा, रीजन दे रहा है, तो ये टाइम तो नहीं है, अगर रीजन दे रहा है तो सिंस यहां पे कौन सा सेंस दे रहा होगा, ये सिंस दे रहा होगा हमारा बिकॉज का सेंस, किसका सेंस दे रहा होगा, बिकॉज का सेंस दे रहा होगा, मतलब क्या कहने जा रहा है, उन्होंने वो पार्सल डिलीवर नहीं कर पाए,
क्योंकि नो वन वाज देयर, वहां पे कोई नहीं था, ठीक है, ये रीजन हो गया। इसमें भी हमारे देखिए ये पास्ट का ही है, पास्ट इंडेफिनिटी लग रहा है, एक तरह कुडंट आ रहा है, ठीक है, मतलब हमारा मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो हमारे क्या है पास्ट दिखा रहा है, वो पार्सल डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि नो वन वाज देयर, वहां पे कोई नहीं था, ये दोनों पास्ट की बात हो रही है। अब नीचे वाला देखिए, सी डिसाइडेड टू लर्न हिज ओन, ठीक है, वो क्या बोल रही है, सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा, क्या डिसाइड किया था, टू लर्न हिज ओन, अपने आप से सीखेगी, क्या सीखेगी, अपने आप से, टू लर्न का मतलब होता है उसने जब डिसाइड किया था ना उसके बाद वो सीखेगी, ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होती है, क्या होती है हमारी इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बस इतना देख लेना इसका मतलब क्या होगा कि ये काम इसके फ्यूचर में होगा, जब इसने डिसाइड करा था ना उसके बाद ये काम होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव टू गो, एक मैं वर्ड लिख लेता हूं, क्या बोलूं, आई हैव टू गो, ठीक है, मैंने बोला आई हैव टू गो का मतलब क्या, आई हैव, मुझे पड़ेगा, कहां पड़ेगा, जाना, ठीक है, ये काम फ्यूचर में होगा, ये काम क्या होगा, फ्यूचर में होगा, देखिए आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारी मेन वर्ब होगी, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, क्या हो गया, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, इन्फिनिटिव में क्या होता है कि ये काम फ्यूचर में हो रहा था, क्योंकि टू के साथ में वर्ब लग रही है और वर्ब की बेस फॉर्म लग रही है, तो ये काम क्या होगा, फ्यूचर में होगा, मतलब उसके तुरंत बाद होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मतलब ये फ्यूचर में पड़ेगा ना, अभी जैसे एकदम से इमीडिएट मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आई नहीं, ठीक है, ये ऐसी वर्ड होती है जो फ्यूचर में होने वाली होती है, ठीक है, ये हमारा जो है इन्फिनिटिव, तो इतना ही मतलब है कि भैया ये काम जो होगा फ्यूचर में हो रहा होगा, मतलब ये जरूरी, मतलब फ्यूचर में कुछ काम ऐसा होगा जो ये होने वाला होगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, यहां से फिर से देखिए क्या बोला हमने, सी डिसाइडेड टू लर्न, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया कि वो सीखेगी, ठीक है, क्या सीखेगी, उसने उस टाइम डिसाइड किया था, कब, पास्ट में, ये पास्ट का टाइम बता रहा है ना, सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया था क्या, टू लर्न, वो सीखेगी हिज ओन, अपने आप से, क्या सीखेगी, वो अपने आप से सीखेगी, अब तब से डिसाइड करा था, ये रीजन है क्यों डिसाइड करा था, अब हमने देखा, ये देखते हैं आगे, सिंस हर टीचर हेटेड हर, ठीक है, सिंस हर टीचर हेटेड हर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रीजन, क्यों उसने डिसाइड करा था, अब वो रीजन दे रही है, क्योंकि उसके टीचर उसे क्या करते थे, हेट किया करते थे, क्या किया करते थे, हेट किया करते थे, तो इसलिए उसने क्या डिसाइड करा कि भैया वो खुद से सीखेगी, सी डिसाइडेड टू लर्न हिज ओन, उसने डिसाइड करा कि वो खुद से सीखेगी, क्यों, क्योंकि अभी रीजन दे रहा है, बिकॉज का सेंस दे रहा है, क्योंकि हर टीचर हेटेड हर, उसके टीचर उसे क्या करते थे, हेट क्या करते थे, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, जब हमारा रीजन दे रहा होता है तो हमारे जो दोनों जो ये होते हैं ना, इसे बोलते हैं क्लोज, क्या बोलते हैं, इसे क्लोज बोलते हैं, तो ये जो दोनों मेन वर्ब होती हैं, दोनों मेन वर्ब होती हैं, वो क्या होती हैं हमारी, सेम उसमें होती है, स्टेट में होते हैं, इंडेफिनेट तो इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट। अब नीचे देखिए, नीचे हमारा क्या है, ये है हमारा एवरीथिंग हैज चेंज्ड, ठीक है, क्या हुआ, एवरीथिंग हैज चेंज्ड सो मच, हर सब कुछ यह हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, सिंस ओवर लास्ट डे, क्या, क्योंकि लास्ट डे से वो चेंज हो गया, या बोल रहा है जब से, ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंस ओवर लास्ट डे से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो गया, कितना, सो मच, बहुत ज्यादा, सिंस ओवर लास्ट डे, क्योंकि लास्ट मीटिंग थी इसलिए चेंज हो गया, या जब से, क्या बोल रहा है, जब से। अब हम देखते हैं क्या, सिंस ओवर लास्ट मीटिंग, हमारी लास्ट मीटिंग से क्या हुआ, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, ठीक है, वो टाइम बताना चाह रहा है, ये सब चीज चेंज कब से हुई है, सिंस ओवर लास्ट मीटिंग, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये पास का टाइम बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, पास का टाइम बता रहा है, इसने एक पॉइंट बता दिया, जैसे 2019 से, ठीक है, 2019 से सब कुछ चेंज हो गया, तो सिंस क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, हमारी लास्ट मीटिंग ऐसा कुछ तो नहीं है, ओवर लास्ट मीटिंग, ये तो बस एक क्या है हमारा, फ्रेज है, क्या है ये, फ्रेज है, फ्रेज मतलब इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ओवर लास्ट मीटिंग बता दिया, ये फ्रेज हो गया। अब फ्रेज में क्या बोल रहा है कि सिंस जो है हमारे यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रेपोशन में तो हमने बोला यहाँ सिंस जो है प्रेपोशन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई रीजन नहीं बोला, वो बोला है एवरीथिंग हैज चेंज्ड सो मच, सब कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो गया, क्योंकि हमारी वो लास्ट मीटिंग थी, या जब से हमारी लास्ट मीटिंग, तो हमने बोला जब से हमारी लास्ट मीटिंग थी तब से बहुत कुछ चेंज हो गया, तब से हमारा बहुत कुछ चेंज हो गया, जब से हमारी लास्ट मीटिंग थी तब से हमारा बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अगर ऐसे बताना है तो हमारा इस सेंस क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे तो कोई टाइम लग रहा नहीं, तो हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं। अब हमने बोला ये क्या आएगा हमारा जो यहाँ पे है, एवरीथिंग हैज चेंज सो मच, ठीक है, हमने बोला ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, अगर रिजल्ट नहीं होगा, हमने देखा रिजल्ट है क्या, चेंज्ड तो है, यहाँ रिजल्ट नहीं है। हाउ मच, किसका रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे, हाउ मच का रिप्लाई आ रहा है। अगर मैंने हाउ मच का रिप्लाई है तो हमारे किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके किसमें लेंगे, परफेक्ट में लेंगे, तो किसमें आया, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, ये परफेक्ट में आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, He failed his exam since he hadn't studied hard, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, He failed his exam, ठीक है, वो क्या हुआ, फेल हो गया अपने एग्जाम में, ठीक है, जब से उसने पढ़ाई नहीं करी थी, या क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी, क्या हुआ, वो अपने एग्जाम में फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, ये बताना चाह रहा है ना, तो उसने क्या बोला, He
फेल्ड हिज एग्जाम, वह अपने एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि ही हैडंट, मतलब उससे पहले उसने पढ़ाई नहीं की, इतना ये बताना चाह रहा। यहां पे देखिए ऊपर वाला भी एक एग्जाम्पल जिसमें हमने लिया था, कहा फेल वाला, वी फेल्ड द टेस्ट, हम टेस्ट में फेल हो गए थे क्योंकि वी डिडंट प्रिपेयर वेल, क्योंकि हमने सही से पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। वहां पे ये बताना चाह रहा। अब नीचे वाले में क्या बोल रहा है, ही फेल्ड हिज एग्जाम, वह अपने एग्जाम में क्या हुआ था, फेल हो गया था, सिंस, क्योंकि अभी रीजन दे रहा है, ही हैडंट स्टडीड हार्ड, ठीक है, क्योंकि उसने स्टडी हार्ड नहीं करी थी। जैसे हमने बोला ये हमारा हो गया पास का टाइम, ये क्या हो गया हमारा पास का टाइम, अगर हम यहां बता रहे हैं, ठीक है, हमने पास का बताया, ही फेल्ड हिज एग्जाम, ठीक है, हम यहां पहले ला रहे हैं इसे प्रेजेंट से, हम प्रेजेंट पर खड़े हैं, हमने बोला वो एग्जाम में फेल हो गया था, क्या बोला हमने, यहां पे बोल रहे हैं वो एग्जाम में फेल हो गया था, क्यों फेल हो गया था, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई नहीं की थी सही से, क्या नहीं किया था, क्योंकि उसने यहां पे अपनी पढ़ाई नहीं की थी। तो ये लिखेंगे ना हम, सिंस सी हैड नॉट स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। अब ये मेहनत कहां नहीं करी गई, इस जो ये पेपर दिया होगा उससे पहले, जो ये पेपर नहीं दिया होगा, पेपर तो क्योंकि यहां फेल हुआ वो इससे पहले ना, और हमने बोला जो पास्ट से भी पास्ट में जाता है, ये हमने बता रखा है किसमें, हमारे टेंस के लेक्चर में, जो चीज प्रेजेंट से पास्ट में जाती है वो तो पास्ट इनडेफिनेट होती है, लेकिन पास्ट से और पास्ट में जाता है तो हमारा क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, और इसे हम किसमें लिखते हैं, उसमें लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, किसे लिखते हैं भैया, उसमें हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो कहां बोला हमने, जब प्रेजेंट से कोई चीज पहले पास्ट में जाए और फिर पास्ट से और पास्ट में चली जाए, तो उस चीज को क्या लिखते हैं, हम पास्ट ऑफ पास्ट लिखते हैं, जिसे हम टेंस में लिख सकते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए हमने इसमें किसमें लिखा, ही फेल्ड हिज एग्जाम, वो अपने एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि क्योंकि उससे पहले उसने मेहनत नहीं करी थी, सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, कब से पहले, उस एग्जाम से पहले उसने मेहनत नहीं करी थी, ये वाला पास्ट टू पास्ट, हैड नॉट स्टडीड, ठीक है। नीचे वाला देखिए, आई कुडंट बाय एनीथिंग, क्या बोल रहा है, आई कुडंट बाय एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता, अभी रीजन दे रहा है या फिर बता रहा है कि तब से नहीं खरीद सकते, पैसे हैं, ठीक है, हमने बोला आई कुडंट बाय एनीथिंग, क्या लग रहा है, क्या देगा ये, रीजन देगा या बताएगा ये, उस समय से वो बोल रहा है क्या, आई कुडंट बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदता है क्योंकि, यही तो रिप्लाई आ रहा है, नहीं तो ये सेंटेंस देख लो क्या बोल रहा है, सिंस आई हैड नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, तो बोल रहा है क्या, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद पाया, बात समझ में आई, ये भी एक तरह से पास्ट का ही बता रहा है, और ये भी क्या बोल रहा है, पास्ट का बता रहा है। अब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि हैड के साथ में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, यहां पे देखिए ऊपर वाले में हैड के साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट है, यहां पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये भी क्या है, एक तरह से पास्ट इंडेफिनिटली दिखा रहा है, तो ये क्या बता रहा है, आई कुडंट बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खरीद सका क्योंकि आई हैड नो मनी, मेरी बात समझ में आई नहीं। आज हमने इस इतने सारे टेंसों से, मतलब इतने सारी स्टेटमेंट से सेंटेंस जो हमने देखे, इससे क्या जाना कि कहां पे हम सिंस जो कंजंक्शन की तरह पे यूज कर सकते हैं और कहां पे सिंस हम प्रेपोशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला जहां पे सिंस प्रेपोशन की तरह यूज कर सकते हैं वो क्या होता है, फ्रॉम का रिप्लाई होता है, कहां से, उस समय से लेके अब तक, तब से लेके अब तक, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब से, मतलब 5 बजे से अब तक, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ये होगा प्रेपोशन के तौर पर, जिसे हमने कल बता रखा है, अपने कल हमने जो लेक्चर लिए थे उसमें ही बताया था सिंस को कहां प्रेपोशन की तरह यूज करते हैं और उसके साथ में हम परफेक्ट लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हमने क्या बताया कि भाई ये प्रेपोशन और कंजंक्शन में जो डाउट होता है ना, जहां पर कंजंक्शन की तरह सिंस यूज हो रहा होता है वहां पर हमें क्या दिखा रहा होता है, रीजन दिखा रहा होता है, क्या दिखा रहा होता है, रीजन, और जब रीजन दिखा रहा होता है तो मोस्टली जो ये सेंटेंस होते हैं, जो हमारे मोस्टली ये जो स्टेट होती है, ये जो स्टेट होती है मोस्टली सेम ही रहती है, अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन देखिए जैसे यहां पे बदला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ही फेल्ड हिज एग्जाम, वो अपने एग्जाम में फेल हुआ है क्योंकि ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने स्टडी हार्ड नहीं करी थी, मतलब वो पहले पास्ट में गया है, मतलब वो एग्जाम में फेल हुआ था क्योंकि उसने स्टडी हार्ड नहीं करी थी, मतलब यहां पे उसने मेहनत नहीं करी थी, इसलिए यहां पास्ट परफेक्ट आ गया, नहीं तो क्या होता है, ये दोनों सेम होते, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जाना सिंस को कैसे कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि प्रेपोशन के तौर पे तो हमने सिंस को अपने पहले वाले लेक्चर में भी यूज कर लिया था, ठीक है। आज हमने कंजंक्शन और प्रेपोशन दोनों तरह से सिंस को यूज करके देखा है। अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद आया और आपने लगा है कि हाँ कुछ इससे बेनिफिट हुआ है तो नीचे कमेंट करिएगा, और अगर नहीं भी लगा है बेनिफिट और आपको लगा है कि नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ढंग से नहीं समझाया गया, तो नीचे तब भी कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज को सुधारेंगे, ठीक है। हमारे लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए बस मेहनत करिएगा, ठीक है, थैंक यू।